अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MMS मुमताज़ टेक्निकल। अभी जिस नए वीडियो के लिए मैं आपके साथ हाजिर हूं तो वो भी ट्रिक्स के मुतल्लिक है कि आपने अपने एंड्रॉइड सेट को कैसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है अगर आपने पूरा डाटा जो है वो लैपटॉप में डालना है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका हल है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पर चला जाना है, उसकी जो सेटिंग है उसको ओपन कर लेना है आपने और ऑप्शन देखना है हॉटस्पॉट एंड थेटरिंग का। हॉटस्पॉट एंड थेटरिंग को ओपन करने के बाद आपने देखना है कि USB थेटरिंग इनेबल है या डिसेबल। अगर इनेबल है तो फिर तो ठीक है, और अगर डिसेबल है तो उसके लिए आपने दोबारा मोबाइल के जो सेटिंग में अबाउट फ़ोन है उस पर चला जाना है, या कुछ मोबाइल हैं उनके सेट, तकरीबन सब मोबाइल में ऑप्शन ये होता है अबाउट फ़ोन में आपने जाना होता है, या माई फ़ोन जहाँ पे आया होता है उस पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है बिल्ड नंबर का। बिल्ड नंबर पर आपने क्लिक कर देना है 5 बार या 7 बार, फिर वो आपको बताएगा कि आप डिवेलपर हैं या नहीं हैं। जब वो आपको बताएगा कि कंग्रेचुलेशन यू आर डिवेलपर या नो नीड टू मोर फॉर डिवेलपर, उसके बाद आपने उसको बैक पर चले जाना है। जब आप बैक पर दोबारा जाएंगे हॉटस्पॉट एंड थेटरिंग पर, तो पहले अगर अनेबल था तो दोबारा आपको अलाउ हो जाएगा इनेबल करने का। जब तक आप डिवेलपर वाला ऑप्शन ऑन नहीं करेंगे तो थेटरिंग USB थेटरिंग ऑन नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों का यही प्रॉब्लम आता है, वो कनेक्ट तो कर देते हैं केबल के साथ मोबाइल को लैपटॉप के साथ, लेकिन क्या है कि डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ चार्जिंग होता रहता है। तो उसका हाल ये है कि आपने बिल्डर नंबर जो है उसको लाजमी इनेबल करना है और थेटरिंग ऑन हो जाएगी, तब आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।